नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। देश प्रदेश में लगातार कई ऐसे मुद्दे जो हैं जिन पर चर्चाएं एक लंबे समय से चल रही है और उन्हीं में एक सबसे अहम मुद्दा है ज्ञानव्यापी मस्जिद या मंदिर का, क्योंकि लगातार अब इस मुद्दे पर जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती जा रही है और उस प्रक्रिया में अभी कुछ समय पहले ही कोर्ट की तरफ से जो साक्ष्य बटोरे गए थे, कोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स बटोरी गई थी वो पक्षकारों को सौंपी गई थी और हिंदू पक्षकार को वो जो साक्ष्य थे वो दिए गए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि कल जब उन्हें ये साक्ष्य सौंपे गए उसके थोड़ी देर बाद ही ये जो साक्ष्य है ये पब्लिक में वायरल हो गए और वायरल होने के बाद इस साक्ष्य को लगभग उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश दुनिया में सभी ने देखा और उस साक्ष्य के आधार पर जो हिंदू पक्षकार हैं उनका दावा और भी पुख्ता हो गया है कि उस जगह पर शिवलिंग है जिस जगह को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, यानी कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं है, वो बाबा भोलेनाथ का दरबार है और उसको लेकर के हिंदू पक्षकार की तरफ से जो दलीलें जो याचिकाएं पेश की गई थी अब उन्हें कोर्ट को मानना जरूरी हो गया है। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से हमें जो साक्ष्य मुहैया कराए गए थे वो साक्ष्य जिस तरह से बंद लिफाफे में हमें दिए गए थे वो बंद लिफाफे अभी भी उसी तरह से बंद हैं, हमने उन्हें खोला तक नहीं है, तो ये साक्ष्य वायरल कैसे हो गए, ये सबूत वायरल कैसे हो गए, इसकी जांच कोर्ट की तरफ से करनी चाहिए। और आज जो महिलावादी हैं उनकी तरफ से जो साक्ष्य बटोरे गए थे वो एनवलप सील पैक्ड एनवलप बंद लिफाफे कोर्ट में सरेंडर करने की प्रक्रिया भी हुई थी, हालांकि कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अब हम 4 जून को सुनवाई करेंगे और 4 जून को ही फैसला करेंगे कि क्या आखिर इस मुद्दे पर चर्चा करनी है या नहीं करनी है, कि हम इस सील पैक लिफाफे को वापस लें या ना लें, और 4 जून को ही इस पर भी सुनवाई होगी कि आखिर ये जो प्रकरण है, आखिर ये जो साक्ष्य हैं ये वायरल कैसे हो गए। लगातार दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं और लगातार अब इस मामले में जो गंभीरता है वो और बढ़ती जा रही है। गंभीर तो पहले ही था ये मामला, लेकिन अब लगातार इसकी जो गंभीरता है वो बढ़ती जा रही है। सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास की तरफ से आज कोर्ट में वो बंद लिफाफे सबमिट करने सरेंडर करने की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उसे नकार दिया गया, कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और 4 जून की अगली तारीख दे दी है। लेकिन जो साक्ष्य कल से हम और आप देख रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन्स पर लगातार दिखाया जा रहा है, वजू खाने की उस जगह पर जहां पर शिवलिंग होने के दावे किए जा रहे थे, उन साक्ष्यों को देखने के बाद हिंदू पक्षकारों की तरफ से लगातार अब इस बात को और पुख्ता किया जा रहा है कि वो जगह और कुछ नहीं शिवलिंग ही है और उस जगह के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उसे एक ऐसा आकार देने का प्रयास किया गया और प्रयास के बाद ये बताने की कोशिश की गई कि वो शिवलिंग नहीं, वो फव्वारा है, उसमें कहीं ना कहीं उसके जो स्ट्रक्चर है उसको भी काफी कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वजू खाने के आसपास का जो पानी था उस पानी को हटाने के बाद जब सही तरीके से उस पूरे आकृति को देखा गया है तो उसमें साफ तौर पर उस चीज को क्लियर किया गया है। जो हिंदू पक्षकार हैं या फिर जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया जा रहा है, इस बात पर मोहर लगाई जा रही है कि हमारा जो दावा था दरअसल वो दावा सही है। लेकिन मुस्लिम पक्षकार की तरफ से अब ये दलीलें लगातार पेश हो रही कि आखिर ये जो आकृतियां और उनकी जो वीडियोग्राफी थी ये वायरल कैसे हो गई, क्योंकि पहले भी जो जांच रिपोर्ट है उसके वायरल होने के शक जताए जा रहे थे और अब जब ये वीडियो ये फोटोज वायरल हो गई हैं तो उसके बाद अब लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही कि आखिर ये पूरा प्रकरण जनता के बीच कैसे आ गया, ये पूरा प्रकरण, ये पूरा मामला, ये फुटेजेस वायरल कैसे हो गए। इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बीच में अगर देखा जाए तो लगातार इस मुद्दे पर अब जो राजनीति है वो गरमाती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का एक अभी एक ताजा बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर 1991 वर्शिप एक्ट का एक बार फिर से हवाला दिया है। पहले भी उन्होंने 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था और ये कहा था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, उसे आप मंदिर नहीं बना सकते, बाबरी हमने दे दिया, लेकिन अब उसके बाद अगला कुछ उत्तर प्रदेश या देश में कहीं नहीं होने वाला। और आज भी उन्होंने कुछ इसी तरह का बयान दिया और उसमें भी साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया है कि 1991 का जो एक्ट है वर्शिप एक्ट
और वो जो कहता है उसके आधार पर ज्ञान व्यापी मस्जिद ही रहेगी, वहां पर और कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब मुद्दों पर जहां पर कोर्ट की प्रक्रिया भी अब तेज होती जा रही है, दूसरी तरफ जो साक्ष्य थे वो वायरल हो गए और राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये साक्ष्य बाहर कैसे आए, साक्ष्य बाहर आने के बाद दावा कितना मजबूत हो गया, और लगातार इस मुद्दे पर जो अनर्गल बयान आ रहे हैं उन बयानों पर जनता किस तरह से देखे उन बयानों को, और उन बयानों में कितनी सच्चाई हो सकती है। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। सामने खड़ी हो चुकी है देवबंद के फतवे हो, चाहे PFI जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भड़काऊ बयानबाजी हो, भड़काना हो, या किसी माइनॉरिटी के पॉलिटिकल लीडर का कोई भड़काऊ भाषण हो, ऐसे समय एक वीडियो का आ जाना एकाएक कहीं ना कहीं इशारा करता है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुका है, राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है, सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा है। माननीय न्यायालय 4 जुलाई को इस पर निर्णय लेगा कि सरेंडर होगा कि नहीं होगा, और उन्होंने जाँच के लिए भी कहा है कि इस पर हम जाँच करवाएंगे कि कहाँ से ये लीक हुआ, ये जाँच करवाएंगे, ये विशेषाधिकार न्यायालय के पास है, उनका निर्णय जो उन्होंने कहा कि हम इस पर जांच भी करवाएंगे। हम लोग लेके गए तो न्यायालय के पास, न्यायालय में दिया गया है क्योंकि हम लोग को सत्यापन हम लोग से लिया गया था कि हम लोग इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन वो 15-20 मिनट बाद ही सार्वजनिक हो गया, ना जाने कहां से आ गया। तो हम लोग कोर्ट में अपनी सच्चाई लेके गए थे कि देखिए हम लोग का एक भी लिफाफा खुला नहीं है, सील पैक है, लेकिन वो सार्वजनिक हो गया है। तो कोर्ट ने हम लोग को 4 तारीख का समय दिया है कि 4 तारीख को जो भी होगा। हमारे साथ जो मेहमान है वो उससे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और सभी मेहमानों से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। हमारे साथ दिवाकर सिंह जी BJP से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आमिर साबरी साहब मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं, गजेंद्र त्रिपाठी जी स्वर्ण महासंघ से जुड़े हुए हैं, विकास मिश्रा सनातन महासभा से जुड़े हुए हैं, और नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं साबरी साहब आपके पास आना चाहूँगा, बहुत अहम मुद्दा था जिसको लेकर के लगातार आप लोगों की तरफ से भी दलीलें पेश हो रही थी और हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी दलीलें पेश हो रही थी, लेकिन जो साक्ष्य है वो जब वायरल हुआ है तो हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया है, उनकी तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि वो जगह और कुछ नहीं शिवलिंग है और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई है, क्या कहना है? मुझे बोलने का मौका दिया जी। देखिए सच्चाई ये है कि जिस जो दावे पेश किए जा रहे हैं, देखिए दावों में और सच्चाई में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, तो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जहाँ तक शिवलिंग की बात है, पहले बड़ा सवाल तो ये है कि इससे मुताल्लिक जो कोर्ट ने अप्लीकेशन एक्सेप्ट की है वही गलत थी, वही असंवैधानिक थी, उसका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से कोर्ट के आदेश थे कि इसकी कोई लीक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार का इसमें षड्यंत्र है, सिर्फ उदंड फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं सरकार का, देखिए एक बड़ी साफ सी बात है, जब सरकार ना चाहे तो एक आदमी एक लाइन नहीं नांग सकता है, तो हम कैसे मान लें कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतनी बड़ी सुरक्षा में कैसे चूक हो गई? बड़ा सवाल ये है नितिन जी कि जब सारे लिफाफे बंद हैं, तो जब बंद की बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, तो जब बंद मुट्ठी थी, बंद लिफाफे थे, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहर कैसे आ गई? इसका मतलब ये है कि सरकार नफरत फैलाना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है, और इसी बहाने उसे 5 राज्यों को चुनाव जीतना है और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। आप इसमें चुनाव कहां से बीच में लेके आ जाते हैं? बिल्कुल, अरे साहब चुनाव इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है, अगर ये ना होता, ये नफरतें ना फैलाई गई होती, तो BJP इतनी प्रचंड बहुमत से आ जाती, ये सवाल नहीं पैदा होता। एक बात, दूसरी बात, जो हालात देश ने देखे अब तक, आप देख लीजिए इस 2022 के विधानसभा चुनाव में जो स्थिति भाजपा की हुई है, कितनी सीटें कम हुई हैं, इसको बराबरी करने के लिए, इसको बढ़ोतरी करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं नितिन जी, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह से ये लगातार अब बात कही जा रही है, जो जो दावा था वो और पुख्ता हो गया, इस पर क्या कहना है आपका? अरे सर पुख्ता तो देखिए, अभी आपके स्टूडियो में बैठा हूँ मैं, यहाँ फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि मैं ला करके अपने को कुरान का सिपारा रख दूँ, ये कह दूँ वाह मेरी तो यहाँ मौजूद है, ये मेरा स्टूडियो है, क्या मतलब है इस चीज़ का? ये तो सिवाय मखौल और मजाक के कुछ नहीं है। आप बताइए, एक बरसा बरस से वहाँ नमाजें हो रही हैं, उसमें वजू हो रहा था फव्वारे में, और उस फव्वारे को जबरिया शिवलिंग बना दिया गया। आप फिर वही बात दोहराएं, कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का जिक्र मुझे करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है
नितिन जी कि 1885 1886 के फैसलों में मस्जिद का जिक्र नहीं था। 1949 में रातों रात मूर्तियां रखकर उस मस्जिद को मंदिर बना दिया गया और फिर विश्व ने अपनी नंगी आंखों से देखा किस तरीके आतंक के तहत उस मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद किस तरीके से उस मंदिर को दे दी गई और सारे जबकि 1999 में सारे अवशेष मिल गए थे कि वो मंदिर है, सारे सबूत मिल गए थे कि वो मंदिर है और उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये मतलब न्याय में फिर दोहरा दूंगा ये न्याय नहीं था ये फैसला था जिसको आम मुसलमानों ने माना। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई या किसी तरीके के वहां के अवशेष मिले। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है नितिन जी आप बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। नईम भाई पहले भी इस मुद्दे पर आपसे चर्चा मेरी हो चुकी है और पैनल में आप कई बार बैठे भी हुए हैं डिबेट को लेकर के और वही मेहमान इस बार भी शायद लगभग बहुत सारे मेहमान ऐसे हैं जो पहले भी आपके साथ बैठ चुके हैं लेकिन मुद्दा आज थोड़ा गंभीर इसलिए है कि जो साक्ष्य थे वो वायरल हो गए और साक्ष्य जब वायरल हो गए तो लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा जो दावा था भाई साहब वो लगभग पुख्ता है और उस जगह पर और कुछ नहीं उस जगह पर शिवलिंग ही है उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई है। अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे क्या कहना है आपका और अब आगे की क्या तैयारी है आपकी? थोड़ा ऊंचा करिए इसमें इसमें मेरा फोटो क्लियर नहीं आ रहा सर कट रहा है इसमें। तेरे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी कि आपके डिबेट पे ये कई बार चर्चा इसकी हो चुकी है ज्ञानी आपकी मस्जिद की और ये मैं सबसे पहले ये अपने जुडिशरी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से जो है जो बंद लिफाफे में होती इससे पहले भी ये लीकेज जो हुई थी इसकी रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फटकार लगाई थी कि कोई भी जो है रिपोर्ट जो है बंद उसमें लिफाफे में होगी और ये कैसे लीकेज हो गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कैसे लीकेज हो जाती है और ये कैसा मतलब जो है हमारे देश का संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और देश के अंदर एक फिरका प्रस्तावित्व को जो है माहौल क्रिएट होता चला जा रहा है और इसको हमारी जुडिशरी को चाहिए और इसको रोका जाए। आप ये बताइए कि जब हमारे सर्वे हो रहा है सर्वे के हिसाब से जो भी जो चीजें मिल रही हैं या बेसमेंट में जो भी मिली हैं अभी उसका जो है उनको खंडन नहीं करना चाहिए और ये आ कैसे गई ये लीकेज कैसे हुई है कहां से लीकेज हुई और इसकी मैं कोर्ट से भी और हिंदू पक्ष भी तो कह रहा है कि हमारी तरफ से लीक नहीं किया गया इसके लिए। नहीं भाई हिंदू पक्ष कह तो रहा है कि हमारी तरफ से लीक नहीं किया गया हमें जो लिफाफा जैसे मिला था वैसे सरेंडर भी कर रहे हैं बाय तो ये फिर कहां से लीकेज हो गई आपका क्या मतलब आपको क्या लगता है कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से लीक देश का संविधान सब कुछ हमको ये हम मुझे लगता है ये सरकार की इसमें साजिश है साजिश के तहत से ये सब हो रहा है। मगर ये बताइए ये कैसी रिपोर्ट आ गई इससे पहले भी एडवांटेज सुप्रीम कोर्ट का आया है कि कोई भी रिपोर्ट जो आती है वो बंद लिफाफे में होती है सील होती है उसके बाद में उसके डेस्क पे रखी जाती है फिर उसके बाद में उसके ऊपर जजमेंट होता है तो ये कैसे ये बार बार ये हो रही है और सुप्रीम को आदेश भी गए उसकी अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है ये क्या है देश के साथ में संविधान के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा मतलब वो हूं कि दिल से बहुत ज्यादा अफसोस कर रहा हूं कि ये कैसे मेरे देश के अंदर संविधान की उड़ाई जा रही किल्लिया ये बिल्कुल बंद किया जाए। ठीक है ठीक और जो फैसला आगे का जो आएगा उसके लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है मैं आता हूं आपके पास। गजेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ स्वर्ण महासंघ से हैं। गजेंद्र जी आपने साबरी साहब की बात सुन ली वो तो पार्टी से जोड़ रहे हैं कि जानबूझ के कराया जा रहा है। नईम भाई भी कुछ इसी तरह से कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है आपका क्या कहना है? देखिए दो बुद्धिजीवी यहाँ पर मुस्लिम पक्ष से बैठे हुए और दोनों ने दो बात कही। एक ने कहा कि पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और दूसरे ने कहा कि वहां वीडियोग्राफी हो रही थी और वो लीक हुआ। ठीक है वहां पर इन्होंने ये नहीं कहा कि वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। एक बात दोनों लोग बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मैं दोनों लोगों का जवाब दे रहा हूं। देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूं लेकिन जब आपने एक एप्लीकेशन मूव किया 7 Rule 11 का और उसी पे बहस हो रही है कोर्ट ने कोई चीज अगर एक्सेप्ट भी की है कोई मुकदमा अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके जवाब में आप सिंपल गए आप उसका उत्तर नहीं दिए हैं आप सिंपल वहां गए हैं कि भाई ये 7 Rule 11 में बाध्य है एक कानून विधिक व्यवस्था से बाधित है इसलिए न्यायालय में यह केस आ नहीं सकता जिस पर ऑलरेडी बहस हो रही है। दूसरा मुद्दा आया कि वो डॉक्यूमेंट्स वो वीडियोज वो स्क्रीनशॉट लीकेज हो गया। ठीक और कोर्ट ने भी आज कहा कि अब हम इस डेट पर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरे डेट पर करेंगे। देखिए दीवानी न्यायालय में
निर्णय से जिस निर्णय हो रहा हो, मुकदमा 100 साल भी चलता हो और जिस दिन निर्णय अगर हो रहा हो उस दिन कोई एविडेंस आ जाता है, वो भी एविडेंस मान्य होता है। तो कोर्ट तो उसको आज नहीं तो कल मानेगी मानेगी, क्योंकि वो गलती कोर्ट की है, वो गलती किसी और की नहीं है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि अगर कोई लिफाफा आया है वो बंद है, हिंदू पक्ष भी कह रहा है, मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है, तो यानी कोई तीसरा लिफाफा है और उस लिफाफे पर तो प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी चीजें समाज के अंदर आ गई कि उस जिसको जिसको आप लोग मस्जिद कह रहे हैं उसमें हाथी के सूंड हैं, उसमें शंकर के त्रिशूल हैं। आप ये बताइए विश्व में कोई ऐसा मस्जिद है जहां पर हाथी के सूंड हों, कमल के पुष्प हों? नहीं है। मुस्लिम पक्ष जानता है उसकी हकीकत क्या है। दूसरे, जब वह शिवलिंग आप देख रहे हैं उसके पत्थर को देखिए आप। साबरी साहब सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। आपके पास आ रहे हैं महोदय, हम लोग डिबेट में बैठे हैं, नहीं भाई आराम से डिबेट कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए उस शिवलिंग को आप देखिए, वो स्टोन आप देखिए, उस तरह के फुवारे कहीं विश्व में आपको किसी मस्जिद में या किसी मंदिर में या किसी सामान्य किसी जगह में उस तरह के आपको फुवारे देखने को नहीं मिलते हैं। तो कृपया भावनाओं को, हिंदू भावनाओं को आहत मत करिए आप लोग, आहत करने का काम छोड़ दीजिए। जैसे हम किसी बात को कहते थे, अभी आपने आपने नाम लिया तो मैं भी आ रहा हूं वहां पर, कि बाबरी मस्जिद कह रहे हैं आप, जबकि वह क्या था? विवादित ढांचा। ऐसे यहां आप विवादित स्थल कह सकते हैं, लेकिन आहत मत करिए आप लोग। आहत करने का काम हम दोनों लोग छोड़ दें, क्योंकि जो बात आपने कहा कि राजनीतिक पटल है, तो राजनीतिक पटल है, इस पर आप बयानबाजी मुस्लिम पक्ष से भी आप सुन लीजिए। एक महोदय तो कह रहे हैं कि जिनको हमारा धर्म नहीं पसंद है वो देश छोड़ के चले जाएं। वो आदमी कह रहा है जिसको हमने देश में रहने दिया, नहीं तो उसी समय कह दिया होता निकलो यहां से तो समस्या खत्म हो गई होती, तो न आज अयोध्या होता न तो बाबरी होती। अरे गजब की बात आप लोग करते हैं समाज में। जितनी शांति रहेगी, जितने शांति से बात को करेंगे, ये घर है तुम्हारे पिताजी लेके आए थे ब्रह्मांड से। फिर देखिए, पिताजी ही हमारे लाए थे इसको, और पिताजी ही का ही घर है, और तुम्हारे पिताजी से, और ये सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म, ये सबका देश है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी का नहीं है। पिता पे दोबारा गजेंद्र जी ऐसे अपशब्द ना कहिए डिबेट पे बैठ के, लोगों को भयभीत न कराइए। नथिंग सो बी व्हाट आई कैन यू, प्लीज प्लीज पर्सनल नहीं, एक बार सुन लीजिए प्लीज, पर्सनल पर्सनल बात बिल्कुल मत कीजिएगा डिबेट पर, प्लीज जान लीजिए आप पहले। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ठीक है। विकास मिश्रा हमारे साथ आ गए पिता पर, ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक लात के आए थे लेकर के उस पर, ठीक है विकास मिश्रा जी। विकास मिश्रा जी, सुना आपने साबरी साहब की बात और नईम भाई की बात, क्या कहना आपका? और जो साक्ष्य सामने आ गए, चलिए ठीक है साक्ष्य सामने आ गए, वायरल हो गया, लेकिन उससे ये भी तो प्रूफ हो गया कि अंदर क्या है। जी हाँ बिल्कुल, ये प्रूफ हो गया कि वो महादेव ही है, शिवलिंग ही है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो थोड़ा सा आप देख रहे हो बिगाड़ा गया है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, परंतु जब उसको अध्ययन किया गया तो शिवलिंग स्पष्ट दिखाई दे रहा, शिवलिंग शिव जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा दीवालों पे, जैसा कि अभी गजेंद्र जी ने बोला कमल के फूल दिखाई पड़ रहे हैं। जितना भी सनातन संस्कृति में होता है वो सारे साक्ष्य वहाँ मौजूद हैं। किसी भी मस्जिद में ऐसा कोई भी इस तरीके कोई भी आकृति हमने नहीं देखी। दूसरा, अभी साबरी साहब कह रहे थे, अभी उन्होंने हर बार जैसे अध्यक्ष मुद्दा उठाते हैं, इस बार भी उठाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है कहीं कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, तो शायद आपको ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए उसको खुदाई करके पूरा सर्वे किया गया था, क्योंकि उस पर आपका बाबरी ढांचा बना हुआ था, तभी उसको खुदाई करके साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, तो साक्ष्य में स्पष्ट आया था कि वहाँ मंदिर है, उसी तरह से जैसे यहाँ पे भी स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ मंदिर है। विकास जी यही तो एक षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र है। तो देखिए बाबरी मस्जिद अगर तोड़ के बनाई गई होती
अगर आप स्वीकार कर रहे हैं षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये चीज लिखित होना चाहिए जी। साबरी साहब सुन लीजिए, अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये षड्यंत्र है तो मैं भी कह रहा हूँ कि साहब ये षड्यंत्र तो है, ये मुगलों की तरफ से किया गया षड्यंत्र है, तो मैं खुद कह रहा हूँ। तो आप उसको नई बात नहीं बता रहे षड्यंत्र है। आज उस षड्यंत्र के लिए जब हम न्यायालय के थ्रू जा रहे हैं कि उस षड्यंत्र को समाप्त किया जाए और जो चीज है वो चीज सनातन धर्म को सनातन संस्कृति को दी जाए ताकि वहां पे पूजा अर्चना हो सके, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये षड्यंत्र है। ठीक है ठीक है ठीक है। दिवाकर सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। दिवाकर जी, साबरी साहब और नईम भाई लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार जानबूझ के ये सब करा रही है और उन्हीं की तरफ से ये चीजें साक्ष्य जो थी वायरल करा दी गई हैं, क्यों इन लोग नाराज हैं इतना? नितिन भाई, सर्वप्रथम तो मैं आज वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती पर नमन करता हूँ, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य देव को कि मंदिर को जो मुगल शासकों द्वारा, हम तो कहेंगे कि मुगल शासकों द्वारा जो विखंडित किया गया था उसका जीर्णोद्धार किया, उनकी जन्म जयंती पर आज सादर नमन हम करते हैं। और मुस्लिम स्कॉलर भाइयों को कह दीजिए, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, पहले ही आते हैं पढ़ाया जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके पास जब प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की क्या जरूरत है, आपके पास कोई शब्द विरोध करने के नहीं है। अनावश्यक संविधान पे जाएंगे, अनावश्यक कोर्ट पे जाएंगे, अनावश्यक सरकार पे जाएंगे, अरे उस पे आइए जो मैटर है, मैटर पे आइए, वो देखने में शिवलिंग है कि नहीं है इस पे बताइए, वो क्या हुआ, कोर्ट ने लीक कर दिया, आपने लीक कर दिया, कौन पक्ष लीक कर दिया, इस पे मत जाइए, प्रत्यक्ष पे आइए, वो शिवलिंग किस तरह से नहीं दिखाई दे रहा इसको हमें बता दीजिए, उससे छेड़छाड़ किया आपने। आप सुनिए पहले, मैं चुपचाप सुना हूँ, पहले आप सुनिए, आप जितना झूठ बोलना चाहे बोल लीजिए, पूरी बात सुनिए, मैं आपके सारे झूठ सुना हूँ, आप मेरा जो सत्य हो सुनिए, वही बता रहे ना, जितना झूठ बोलना चाहिए बोलिए भाई। आप देखिए किसी मस्जिद में, किसी मस्जिद में, विश्व की किसी मस्जिद में बता दीजिए कि हिंदू किसने तोड़ा हो, किसी मस्जिद को किसी हिंदू ने, इसमें हम नहीं कहते हमारी सनातन धर्म में कहीं किसी मस्जिद को तोड़ने का इतिहास मिला हो तो बता दीजिएगा, भारत में किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया हो बता दीजिएगा, सुन लीजिए, भारत में किसी भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया बताइए, आज पाकिस्तान आप जब अलग हुए आप भारत में रह रहे हैं, कितने स्वच्छता से रह रहे हैं, आपकी संख्या 2 करोड़ से 22 करोड़ हो गई और पाकिस्तान हमारे भाई गए 2 करोड़ से कितने हो गए, इसका उदाहरण है आपके पास। एक बाबरी और जो आप विवादित ढांचा का गिरा जो कोर्ट के कारण हो सकता है, जो हमारे उत्साही बंधु रहे, हमेशा क्रांति होती रहती है, धर्म के प्रति क्रांति होती है, समाज में क्रांति होती है, हर जगह क्रांति होती रहती है, क्या एक विवादित ढांचा का गिरा विश्व में आपने सारे मंदिरों को गिरा दिया, आप बताएंगे हमको संस्कृत कि कैसे जिया जाता है, आप बताएंगे, अरे मानव धर्म आप बताएंगे, आपके पास कोई शब्द नहीं है, कुछ तो आप हमारी बात सुनिए कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा महाराज, सुन लीजिए हम बर्दाश्त नहीं करने के लिए बैठे हैं, नहीं बर्दाश्त करते, नहीं बर्दाश्त करते तो आप 2 से 22 अभी कल हुआ 2 से 22 करोड़ नहीं होते मस्जिद में, आप सुनिए, ये देखिए लाड अपनी बारी, सुनिए हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती, हमारे पूर्वजों में नहीं रहती, आप 2 करोड़ से 22 करोड़ नहीं होते और खच्चर पर आकर के यहाँ राज नहीं करते, सुन लीजिए आप आकर के राज नहीं करते और आप बराबरी में हक नहीं मांगते, अलग हो गए आप, अलग हो गए उसमें भी आपने नियम अलग होने का पालन नहीं किया, अलग हो गए, हमारी इतनी सनातन संस्कृति है सबको स्वीकार करती है, करती है, और यह देश महर्षि ऋषियों का है, यहाँ की भाषा, यहाँ के स्कॉलर, यहाँ के रिसर्च भी पूरा विश्व देख रहा है, सुन लीजिए, बताइएगा ना, हम सुनने के लिए बैठे हैं, बताइएगा ना, कहें जल्दी में, जल्दी में कहें भाई, अभी अध्यादेश समाता हूं, जल्दी जल्दी मत आइए, जल्दी मत आइए, बता दीजिए, आप एक एक कानून आप बनवा क्या लिए, जो कांग्रेस आप इतिहास गलत बता रहे हैं, गलत नहीं बोल रहा, इतिहास के ऊपर रिसर्च करके आइए, आप रिसर्च सुनिए, अरे आप बताइए ना, बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आप बताइए ना, नासिक से लेके, सुनिए, बताइए,
सुनेंगे। रेशमी रुमाल का सुना 1942 में रेशमी रुमाल आया था। अरे सुने के पहले कि हम आपके सुने रेशमी आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। नहीं भाई प्लीज आपको नहीं बोलने दिया जाएगा हरकत करेंगे तो। हमारे रिसर्च की अगर बात कर रहे हैं तो बता दें नासिक से लेकर श्रीलंका की दूरी कौन सा गूगल था। हमारे इतिहास में लिखा गया जब रावण चला माता का हरण करके सीधे कौन सा गूगल था उसको रास्ता के नासिक से लेकर सीधे कोयम्बटूर होते हुए पहुंच गया लंका। हमारे रिसर्च बात करते हैं आज यह अपभ्रंश है रिसर्च का महर्षि का अपभ्रंश शब्द रिसर्च आया है। आप पूरा विश्व इसको मानता है कि जो आप नहीं कर पाए हमारे वेदों में पहले से है। ठीक है ठीक। और आप क्या बताएंगे हमारे संस्कृत को। अरे हमारी संस्कृतता है कि आपका जो मन हो बोल जाइए जो मन हो विरोध कर जाइए। प्रत्यक्ष को कहिए प्रमाण दीजिए हम प्रत्यक्ष का प्रमाण देते फिर रहे हैं। ठीक है। और आप लोग करें सहिष्णु हम नहीं है। ठीक है। अरे हम आपकी कद्र करते हैं आप हमारे सच्चे नागरिक हैं। सच्चे नागरिक बन के रहिए। भारत माता हमारी है हिंदुस्तान हमारा है देश इंडिया हमारा है। जिस शब्द में प्रयोग करें आप उस देश के प्रति उत्तरदायित्व है उस देश की तरक्की में स्थान लीजिए और उस देश में कलाम साहब बनिए। ठीक ठीक। कलाम साहब बनिए और कोई मत बनिए कलाम साहब बने और नाम नहीं लेना चाहूंगा कलाम साहब बनिए। ठीक ठीक है मैं आता हूँ। तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। जी तारिक भाई आप इस प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं और जो साक्ष्य वायरल हुए हैं उसको लेकर के लगातार अब चर्चाएं चल रही हैं। चलिए साक्ष्य वायरल हो गए ठीक है लेकिन उन साक्ष्यों के आधार पर आपको क्या लगता है कि उस जगह पर क्या है। देखिए ये मामला तो कोर्ट में है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि इससे पहले एक मामला और कोर्ट में गया जो बाबरी मस्जिद का था उसमें दो वकील थे। मेनली जब वो मामला बड़े स्तर पे गया सुप्रीम कोर्ट में गया हिंदू पक्ष के तरफ से रविशंकर प्रसाद थे और जफरयाब जिलानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से थे। आप कोर्ट के फैसले के पहले एक बयान बता दीजिए मुझको कि वो मीडिया में आए हो और उन्होंने कहा हो। दोनों पक्ष की तारीफ कर रहा हूं मैं रविशंकर प्रसाद की भी तारीफ कर रहा हूं और जफरयाब जिलानी की भी तारीफ कर रहा हूं। एक पक्ष बता दीजिए जिसने बाहर आके कहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है वहां मस्जिद ही है। सब ने यह कहा कि मामला सब जुडिस है। उसके बाद यहां पर खासकर जो जैन साहब हैं और उनके बेटे हैं जो हिंदू पक्ष के वकील हैं रोज मैं उनको एक टीवी चैनल पर बैठा हुआ देखता हूं। इसके वजह क्या है क्या वो अपनी पर्सनल जो उनका अपना व्यक्तिगत एक औरा है या व्यक्तिगत पर्सनैलिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो तो एक पक्षकार के वकील है वहां पर और जो मुद्दा है जो पांच महिलाओं ने वहां पर पूजा अर्चना नियमित रूप से करने का अधिकार मांगा है। याचिका पे ध्यान दीजिए याचिका है क्या सिर्फ नियमित रूप से पूजा अर्चना करने का अधिकार मांगा है। ये याचिका ये वाली है जो पांच महिलाओं द्वारा है। अब अगर उसमें फिर मामला आ जाता है अब कि वो जो एविडेंस है जो वीडियो के तरीके से पेश किए गए थे वो बाहर कैसे आ गए वो भी मैटर है। ये जांच होनी चाहिए क्योंकि मामला कोर्ट में है। मामला सिर्फ लोअर कोर्ट का नहीं है सुप्रीम कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। सुप्रीम कोर्ट मामले को वापस भेजता है कि जाइए वहां पर और उसी कोर्ट में इसको तय करिए। अब उसी के साथ साथ तीन तीन चार चार और याचिकाएं पड़ जाती है कि हम इसमें जो मालिकाना हक है वो भी दे दीजिए जो वहां पर लोअर कोर्ट है वहां पर स्पेशल कोर्ट में और याचिकाएं भी पड़ जाती है। चलिए इसमें दसियों याचिकाएं पड़ जाए वो बात नहीं है मगर कोर्ट की अवमानना हो रही है। दूसरा पक्ष जो मुसलमानों का है तो मुसलमान समाजवादी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं मुसलमान भी हूं। मुसलमान से ज्यादा देशभक्त और कानून को मानने वाला यहां तक आज कोई मिला ही नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया मुसलमानों ने सर्वसम्मति से उसको माना और सराखों पर रखा। एक मुस्लिम तंजीम का नाम बताइए आप जिसने ये कहा हो कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है या वो सड़कों पे आई हो या प्रदर्शन किया हो या उसने ये कहा हो असहमत होना अलग बात है ये कहा हो कि इस फैसले को हम बिल्कुल नहीं मानते तब ने माना। यहां पर भी कल कॉन्फ्रेंस की अभी बात हो रही थी तो मौलाना महमूद मदनी ने भी कहा कि जो कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। मामला कोर्ट में है उसका जरूरत से ज्यादा मीडिया ट्रायल हो रहा है ठीक है उस मामले का। इसीलिए शायद मुस्लिम पक्ष के जो वकील है ये उनका अधिकार है कि वो क्या चाहते हैं उन्होंने क्यों ये कहा कि इसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए ये उनका अधिकार है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जरूरत से ज्यादा आप देख लीजिए आप लगातार चल रहा है यहां पर ये मिल गए वो मिल गए। एक अहम बात और उठाना चाहता हूं हम लोग अपनी बातों में दो लोगों के ऊपर दो लोगों की ताकत के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं एक महारानी अहिल्याबाई और दूसरा औरंगजेब। आप दोनों तरफ की बात करते हैं तो हिंदू पक्ष के फेवर की बात करते हैं लोग। मेरा उनसे सवाल है आप एक तरफ कहते हैं औरंगजेब बहुत ताकतवर था अच्छा ताकतवर था तो उसने 80% मंदिर तोड़ा कितनी चीजें वहां छोड़ गया उसको नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद ये फिर से विवाद बन सकता है। उसके बाद दूसरा महारानी अहिल्याबाई ने अगर उसका निर्माण कराया वहां पर मंदिर का
तो क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पूरा मस्जिद को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देती और उस जगह भी मंदिर बनवा देती? तो दोनों लोगों ने अपने अपने टाइम में अच्छे खासे ताकत में थे। आप ही कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, चलिए मान लिया, तो औरंगजेब ने आधा क्यों तोड़वाया? इतनी चीजें छोड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे और अचानक जाएंगे वहां सब कुछ मिल जाएगा? ये एकदम मतलब ये मानने वाली बात नहीं है ना। आप सबके पावर को चैलेंज कर रहे हैं, आप उस टाइम में उसके पावर को भी चैलेंज कर रहे हैं, उन आक्रमणकारियों को भी के पावर को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब एक पॉइंट और है मेरा, थोड़ा कि आप कहते हैं कि आपकी आस्था के बेसिस पर, हेलो, हाँ बोलिए, आपने आस्था के बेसिस पर एक निर्णय दिया बाबरी मस्जिद का, मुसलमानों ने माना कि नहीं माना? सर्वसम्मति से माना। मुसलमान सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, मैं ये कह रहा था तारिक भाई, माना वो माना, वो मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने माना या फिर जो भी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि बाबरी वाला तो चलो ठीक है हो गया, लेकिन अब इसके आगे हम कुछ और नहीं दे सकते हैं। ओवैसी साहब का बयान आया, उनके बयान से सहमत नहीं है, यहाँ पर लेने देने की बात नहीं है। जब मामला सब जुडिस हो गया, आप समझिए वहाँ 193 में मामला प्रॉपर्टी सूट का भी पेंडिंग है कि वो प्रॉपर्टी है किसकी। जब 36 में कह दिया जाता है 1936 में और 1883 में जो सरकारी रजिस्टर है उसमें वो मस्जिद दर्ज हो जाती है, आप समझिए ये कानूनी लड़ाई है, इसको कानूनी बातों से देखना पड़ेगा, ना कि आस्था। अगर आस्था है, अगर आस्था की बात करनी है तो मुसलमान कहता है मेरी 5 जगह आस्था है, आज मैं बता देता हूँ। एक वो कहता है मदीना, मक्का, उसकी मस्जिद, उसके मदरसे और उसकी खानकाह, खानकाह मतलब मजार। इसके बाद आपको जो तोड़ना है तोड़िए, आप क्यों नहीं तोड़ते? मैं कहता हूं आप शुरुआत करिए ताजमहल से, फिर कुतुब मीनार तोड़िए, फिर आगरा फोर्ट तोड़िए। सबसे पहला जो आगे आएंगे वो मुसलमान आएंगे उनको तोड़ने में। हमें कोई रिश्तेदारी नहीं है इन लोगों से, जिनको आप इन्वेडर कहते हैं या आक्रमणकारी कहते हैं, जो कहते हैं वो स्टार्ट कर लीजिए 726 AD से, 726 AD से लेकर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इन सब के बीच में जो जो बनाया गया है, जो कि 10-20 हजार की तादाद में महल होंगे, इनके बीच में बहुत कुछ होगा, उन सब पे जांच कमेटी बैठा लिए, मगर जो मस्जिद मुसलमानों की सबसे बड़ी आस्था की जगह है उसको विवाद का मुद्दा अगर बनाएंगे तो मुसलमानों को बोलना मजबूरी हो जाएगी, वो 5 टाइम जाता है अपना सर पटकता है वहां पे। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ। नईम भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। ये कह रहा था कि कुछ लोग बैठ जाते हैं डिबेट पे, उनको ये बताइए कि ये लोकतंत्र देश है, जब 1942 में हम लोगों ने, 1857 में 14 लोगों ने जब है, जब वहां पे धावा बोला है मेरठ के अंदर, जिसमें 14-9 मुसलमान थे और इधर देखिए और उसमें 5 हिंदू लोग थे, ये बताइए कि तहरीक में सबसे पहले मुसलमान 1857 से, चाहे हसन नुमानी हो, चाहे इश्फाकुल्ला खां हो, चाहे वो उनको सरहदी गांधी हो, साइमन कमीशन हो, चाहे जय हिंद का नारा हो, चाहे इनकलाब का नारा हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये किसने नारे दिए हैं? मैं ये कहता हूं कि 1942 में जब हिंदू मुसलमान ने एक थाली में खाना खाया था तब ये देश को आजाद कराया था, तब अंग्रेजों ने कहा कि अब देश में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हिंदू मुस्लिम जो है एक हो गए हैं, अब उठाओ अपना बोरी बिस्तरा, और वो सब पलायन करने के लिए शुरू हो गए। आप ये बताइए 1857 में जब देश के आखिरी प्रथम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनकी कयादत में पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं ने कहा कि हम अपने आपको बादशाह समझते हैं और हम आपकी उसमें मतलब अंडरटेकिंग में आपको लड़ेंगे, सारे बादशाहों ने किया। आज ये बता दीजिए कि हमारे मुगल लोग आए, आपने मुगल लोगों ने ताजमहल है, कुतुब मीनार है और तुम्हारे अटाला मस्जिद है, दुनिया की उन्होंने दी, लेकिन कोई लेके नहीं गया। और दूसरी बात ये कह रहा हूं, आज सब कुछ है, जामा मस्जिद भी है, लाल किला भी है, जामा मस्जिद भी है, और आज कुछ लोग जो है, अब जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के दलाल, वो चाहे राजस्थान के हो, चाहे किले हो, आज चाहे वो श्रीरंगपट्टनम का किला हो, चाहे ग्वालियर का, माधोराव सिंधिया का हो, ये सारे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, चाटुकार थे, आज उनके सब किले बचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मुगल के लोग आज उनकी भीख मांग रहे हैं। ठीक है, नहीं भाई, ठीक है, सुल्तान थे, लोगों को लड़ते रहे, आज उनकी भीख मांग रहे हैं, आप बताइए। नहीं भाई, दिवाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दिवाकर जी को सुन लेते फिर आता हूँ। हाँ दिवाकर जी, मैं महोदय से कह रहा हूँ, मेरी भाषा खराब नहीं होगी, महोदय से कह रहा हूँ, मैं सड़क छाप आप जो बनाए हैं कहाँ से आ जाते हैं? मैं एक जिम्मेदार पार्टी का व्यक्ति हूँ, पहले तो आप नोट कर लीजिए,
और दूसरे आप जो दलाल की सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, दलाल की सर्टिफिकेट देने का आपको माधवराव सिंधिया के परिवार को अधिकार नहीं है। पहले अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए महोदय, स्कॉलर हैं, स्कॉलर की भाषा प्रयोग करिए। आईएएस है तो आईएएस, आइए और सामने बैठिए, आइए और सामने बैठिए। आप पांडे को आप सुनिए, आप इतिहास क्या बताएंगे, आप इतिहास क्या बताएंगे, सुनिए पहले पढ़िए। आप अभी ताजमहल के बारे में भी कहा गया है जो याचिका। नहीं भाई सुन लीजिए, नहीं भाई प्लीज नहीं, रिसर्च कर लीजिए पहले, आप रिसर्च सेंटर पे आ जाइए ना, रिसर्च कर लिया जाए। मैटर पर तो आ नहीं रहे हैं, वो अखाड़े के वो पहलवान की हाल है ना आपकी ना, हम तो हैं मैटर पे। अखाड़े के वो पहलवान की हाल है कि हमेशा रिंग से बाहर भागता है, रिंग में आने की हिम्मत नहीं है आपको। हम अब नहीं कहेंगे, खराब बोल जाएंगे, अच्छा नहीं लगा। चलिए आप बहुत बड़े, अभी देखता हूँ आपकी, ठीक है पूरा पूरा चैनल के माध्यम, चैनल की गरिमा होती है। मैं ये कह रहा हूँ नितिन जी, इनके पास बोलने के लिए कुछ ना, सपा के प्रवक्ता की तारीफ करते हैं, उन्होंने बहुत संतुलित भाषा में कहा, कोर्ट का मामला कोर्ट में आना चाहिए। उन्होंने ऐसा, चूंकि वो मुसलमान भी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, सारी बात अच्छी है, उन्होंने बहुत तरीके से कहा, कानून का विषय है, कानून का विषय रहेगा तो कानून अपना ही काम करेगा। कोई पहले का दारा सिको और औरंगजेब की लड़ाई नहीं है, दारा सिको औरंगजेब की लड़ाई नहीं कि इनको मार के हम बन जाए, वो राजतंत्र नहीं है कि इनको मार के हम राजा बन जाए। यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सुनिए महोदय, प्रवक्ता हमारे तारिक भाई आपको कह रहे हैं, वहाँ पे जो अनुमति मांगी गई थी 1991 में माननीय सपा की सरकार द्वारा जो पूजा होती थी श्रृंगार गौरी की, उसको बंद कर दिया गया। इसके पहले होती थी, आप नोट करिए, आपकी सरकार में संभवतः 91 कौन सा था, उसमें श्रृंगार गौरी की पूजा जो होती थी, हफ्ते में एक दिन अलाउ था या रोज अलाउ था, जैसे था रोज था, उसको जो है थोड़ा सा उस पर हमारा डिटेल नहीं है, बंद कर दिया गया। उसी याचिका को लेकर के हम गए, हमारे जैसे आपने कहा कि एविडेंस खोजे जाते हैं, जैसे कोई घटना हो गई तो उसमें नहीं कि जिसको हम कर रहे हैं उसी पे जांच हो, उसके अगल बगल और साक्ष्य तथ्यों पे जांच होती है। और उसमें आपने कहा कि अंतिम दिन तक, हमारे भाई साहब ने कहा जजमेंट के अंतिम दिन तक कोई साक्ष्य आता तो उसको भी देखा जाता है। तो हमारी कोर्ट देख रही है, थोड़ी सी मिस्टेक किस पक्ष से हुई है, हमारी कोर्ट उस पर सहमत है, उसकी जाँच भी करा रही है कि कौन सा पक्ष इसमें लीक किया है। इनके कहने से हम नहीं मान जाए खाली हिंदू पक्ष लीक करेगा, कोई बैड इन्वेंट जो हो माहौल बिगाड़ना चाहता है वो कहाँ है, शासन स्तर पे है कि पार्टी स्तर पे है कि पक्ष स्तर पे है, इसकी जांच होगी, सारे लोग अपने अपनी सफाई देंगे और जांच तो हो ही जाएगी, तथ्य तो पता चल जाएगा। और बस इतना है, 1857 आपने नाम लिया, अगर दो दिन पहले लीक नहीं हुई होती मंगल पांडे की योजना तो ये लीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई राजतंत्र अब नहीं है या लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कानून बनते रहते हैं, संशोधन होता रहता है, एक्ट उसमें इंक्लूड होते रहते हैं, परिस्थितियां जैसी रहती हैं वैसे ही देश को चलाना चाहिए, ठीक, जो व्यवस्था है उसमें हम लोग चल रहे हैं, माहौल मत बिगाड़ें। स्कॉलर महोदय लोग माहौल न देश का बिगाड़ें, इस पे कोर्ट अपना काम कर रही है, जो फैसला आएगा उस हिसाब से हम लोग सहमत हैं, सारे लोग सहमत हैं, हम लोग राष्ट्रप्रेमी हैं, राष्ट्रप्रेम की बात करते हैं। कल का अभिषेक जी को रोका गया है, वो चढ़ाने जाए के लिए जल जा रहे थे, कल जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, आपको मालूम कैसर बाग में रोक दिया गया। ये देश की जो है कानून अपना काम कर रहा है, कानून नहीं ना कहा कि आपको जल चढ़वा देते हैं, कानून अपना काम कर रहा है ना, कानून नहीं ना कहा कि आइए, कोर्ट का मैटर नहीं है, वो कोर्ट का मैटर नहीं, कोर्ट का मैटर नहीं, बस ठीक है, 2018 ठीक। साबरी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नितिन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी और उनकी जितनी भी भाजपा की जो संघ और संघ के जो विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और हिंदू महासभा, जितनी भी नाजायज या जायज तंजीमें हैं, झूठ बोलने में बहुत जबान, जबान अभी इन्होंने गजेंद्र जी, अरे गजेंद्र जी सुन लीजिए, सुन लीजिए गजेंद्र जी, सुन लीजिए गजेंद्र जी, सुनिए सुनिए सुनिए, जो आप विवादित ढांचे की बात करते हैं, 1949 से पहले बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं था,
1949 में 22/23 की रात में उसमें मूर्तियां रखा गए, राम को जबरिया जन्म दिलवा करके उसको विवादित बनाया गया। ये आपका ज्ञान का स्तर है जो आप पर जबरिया यही तो मैं कह रहा हूँ। बात होगी राम मंदिर था वो, सुन लेते हैं, बोलिए साबरी साहब जल्दी से पूरा कीजिए, सुन लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते शब्दों की गरिमा रखिए, शब्द गरिमा रखिए, एक दूसरे की गरिमा रखिए, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके रखिए, अंदर जितने लोग बैठे सबके घर में मस्जिद ना बनवा दू तो उसमें दीजिएगा जिसमें कुत्ता खाता है, कैसी बात कर लीजिए, आप उसी से ही इनका आप आइडिया लगा लीजिए, इनकी सोच क्या है, हमारी सोच बिल्कुल सही है, सब घरों पर मस्जिद बनाना चाहते हैं, ये सिर्फ कब्जा करने के नीयत लेकर चल रहे हैं, ये उसी सोच के बैठे हुए हैं। विकास भाई ठीक है, साबरी साहब इस तरह की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई, हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, कहा भाई मुद्दा तो वही है, जब दुनिया भर की नहीं, आप क्या कह रहे हो कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो मैं घर घर में मस्जिद बना दूंगा, ये क्या बात होती है, ये जो लोग ज्ञानी बैठे हैं और जो उसको शिवलिंग बता रहे हैं, आपने देखा होगा जो पहला, तो आप भी तो नहीं बता सकते ना कि वो फव्वारा है, पहला फुटेज, अरे आप फव्वारा बता रहे हो तो हम शिवलिंग बता रहे हैं, नीति जी सुन लीजिए, जो पहला फुटेज निकला था उसी को इन लोग, जब सारी चीजें लीक नहीं होनी थी तो बड़ा सवाल यह है सरकार के ऊपर कि लीक कैसे हो गई, फिर आप न्यायालय की आड़ लेकर कानून की आड़ लेकर बात करते हो, कानून को खुद मानते नहीं है, संविधान को पैरों तले रौंद रहे हैं, आप किस कानून की बात कर रहे हैं, किस न्यायालय की बात कर रहे हैं आप भाई, आप हमें न्यायालय का नाम तो बताइए, आप न्यायालय की आड़ लेकर अराजकता तो फैला रहे खुद, नहीं तो आपके ये बयान की अराजकता नहीं फैलाएंगे, नहीं तो हम कौन सी अराजकता फैला रहे हैं आप बताइए, किस मुसलमान ने अराजकता फैलाई बताइए, बयान आपके जो आ रहे हैं मुझे तो लगता है अराजकता फैल जाएगी, आप जबरिया जब न्यायालय की आड़ लेकर के, जिस न्यायालय ने एक 1991 का जब कानून बन गया था कि अब किसी भी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ नहीं होगी, तो अब इसके लिए एप्लीकेशन कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही अराजकता है, ठीक है, नितिन जी सवाल तो बनता है, ठीक है, त्रिपाठी जी जवाब देंगे आपका, त्रिपाठी को भी चैलेंज कर रहा है, दो चीजें हैं, चल देखिए आप खुद तो तमीज से बात नहीं करते, दूसरा कह रहे तमीज से बात करिए, आप कह रहे चैलेंज कर रहा है, चैलेंज तो बनता ही है, सवाल तो बनता ही है, अब हम सवाल भी ना करें, ठीक है, आप हमारे घर में घुस करके डकैती डाल रहे हैं और हम सवाल भी ना करें, नहीं आप शिवलिंग को लेकर के बोल रहे हैं और आप त्रिशूल को लेकर के, आप कमल को लेकर के, आप स्वास्थ्य को लेकर के क्यों नहीं बोल रहे, अरे नितिन जी हम यही मैं फिर दोहरा दूं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिए, स्टूडियो में मस्जिद निकाल दूंगा, लाइए लिख के दे दूंगा, अच्छा ये अच्छी बात है, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, देखिए ऐसा है, हो गया, नहीं भाई प्लीज, नहीं भाई प्लीज प्लीज, अभी जो रिपोर्ट, एक मिनट, हाँ जल्दी से बोलिए, रिपोर्ट अभी ज्ञान यापी की लीकेज हुई है, उसके भी हम प्रकरण बता दे रहे हैं, वो गुंबद के नीचे गुंबद निकल रहे हैं और सबसे नीचे बेसमेंट में जो है दो मदारे निकली हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से, ये आपको किसने बता दिया, मस्जिद नहीं है, ये किसने बता दिया, कर लीजिए कि आपको किसने बता दिया, ये किसने क्या, ये लीकेज हुए, ये बता क्या है, ये देखिए आप, ये सब चल रही है वीडियो, ठीक है ऐसा है, दो बातें हुई हैं, एक औरंगजेब की बात, औरंगजेब आज नहीं है लेकिन उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा आज भी इस देश में है, ठीक है, आप देखेंगे कि सैयद अहमद ने कहा था 1888 में 25 मार्च को कि अंग्रेजों को चले जाने दो और फिर पहाड़ों से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक हमारे लोग निकलेंगे और खुद खून की नदियां बहेंगी, उसके बाद निर्णय होगा कि कौन कहां रहेगा, और वह परंपरा चलती रही और आते आते जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने अपनी एक मांग रखी और मांग के अनुसार इन्होंने एक अपने जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान एक इनको देश दे दिया गया, ये चले गए, जो जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत था, जिसको औरंगजेब नहीं चाहिए, जिसको बाबर नहीं चाहिए, वो हमारे लोग इस देश में रह गए, ठीक है, अभी शब्दों की मर्यादा इन्होंने लांघा कि नाजायज औलाद, देखिए जायज और नाजायज भी जब आप जाओगे तो आप यह जान लो कि जितना जुर्म हुआ उससे ही पैदा हुए ये नाजायज औलाद,
गजेंद्र जी अपनी परिभाषा ये नाजायज जो औलादे हैं, बीच में मत बोलिए, बीच में कतरे मत बोलिए, और ये नाजायज औलादे हैं, आज देश के माहौल को खराब कर रही हैं। ये जो औलादे हैं ना, ये देश के माहौल को खराब कर रही हैं। ठीक है, और जो इन्होंने कहा अभी, इन्होंने कहा कि मैं अगर मुख्यमंत्री होता, इन्होंने कहा अभी कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो सभी सभी घरों पर मस्जिद बनवा देता। अरे मुख्यमंत्री की बात करते हो, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार अपने केंद्र के सरकार से कहते हैं कि इन सबों की नागरिकता खत्म किया जाए। इन सबों इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना है किसी हालत में, और इन सबों को कौन सी आजादी, उस आजादी के बदले में देश नहीं हो, जहाँ जहाँ हो वहीं जाओ। हालात आएंगे यहाँ पर और आ गए हैं, चिंता मत करो, ऐसे ही जुबान बोलोगे स्थिति बहुत ही खराब होगी आप लोगों की, इससे बदतर स्थिति होगी आप लोगों की, इससे बदतर स्थिति होगी आप लोगों की, ये चिंता मत कीजिए। ये जो मानसिकता है जो 1888 से स्टार्ट हुआ मार्च में, से आज भी इस देश में व्यवस्थिता नगर ये व्यवस्था को खराब करने के लिए ये जब जब आते हैं। अभी आप देखिए, चार दिन पहले मदनी की क्या बात आई, मदनी ने क्या बोला, ऐसे ही लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश में अशांति रहे, और अशांति के लिए जिम्मेदार ये सब हैं। ठीक है, ये नहीं होते सब देश में कुछ नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी, पूरी अशांति यही सब है। ठीक है, इन सबों को हटाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, विकास मिश्रा हो गया प्लीज, आप लोग का साबरी भाई, नईम भाई प्लीज प्लीज सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, शुरुआत आप लोग की तरफ से थी, जवाब आया है उसमें कुछ नहीं है, विकास मिश्रा कुछ बोलेंगे। विकास भाई, जैसा कि अभी डिबेट में आपने देखा, साबरी साहब और दूसरे हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो थोड़ा कुछ ज़्यादा उत्तेजित हुए, और अपना जो इनके अंदर है जो सोच है इनकी वो बाहर आ गई कि अगर हम मुख्यमंत्री बन जाएं तो हर एक घर पे मस्जिद बना दें, इसी सोच के तहत ये चल रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए साबरी, क्यों बोलते हैं फिर? अरे आपने बोला है, ये आपने बोला है, ये रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। आपसे बड़ा झूठा तो मैंने आज तक नहीं देखा, आप झूठा बता रहे हैं। पहले बात सुनना सीखिए, बात सुनना सीखिए, उसके बाद बात करिएगा। बोले आप आपके धमकी दे रहे हैं, आपने बोले हम धमकी नहीं है, आप कहते हैं कि हर घर में मस्जिद बना लेंगे, क्या कहने चाहते हैं? यही यही सोच है आप लोग की, और आप जैसे लोग ही माहौल खराब करते हैं। जो मुस्लिम भाई लोग सौहार्द से रहना चाहते हैं उनको आप जैसे आमिर साबरी साहब जैसे लोग भड़काते हैं, और ये आपकी टीवी से मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति, ऐसे लोग व्यक्ति जो बैठते हैं वो इस तरीके की बातें करके लोगों को भड़काना चाहते हैं। आप अपने यंग जनरेशन को इस तरीके का मैसेज देते हैं, और ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके मदरसों की सोच है, आपके मदरसों की सोच है, आपके मदरसे की शिक्षा है, इसलिए आपने इस तरीके की बात यहाँ पे बोली है, और आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चैनल से, इस डिबेट से सभी हिंदुओं से और सभी अच्छे मुस्लिमों से डिमांड करता हूँ कि इन व्यक्ति के खिलाफ एकदम FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने खुलेआम इस तरह की बात बोली है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई है कहने की आप हर घर पे मस्जिद बना देंगे, इस स्टूडियो में मस्जिद निकाल देंगे आप? यही झूठ है, झूठ कैसे? आपने बोला है, रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी, आप सुनिएगा, बिल्कुल आपने बोला है। ठीक है, ठीक है, यही बोला है आपने, यही बोला है। तारिक भाई को, तारिक खान, दोबारा इस तरीके की बातें बोलिएगा नहीं डिबेट। ठीक है, तारिक खान प्लीज, तारिक खान आप सुन रहे हैं कि कितना माहौल यहाँ पर गर्म हो गया और किस तरह के बयान आ रहे हैं। हो गए साबरी साहब, हो गया प्लीज, तारिक भाई आपसे मशवरा लेके हम बोलेंगे। ठीक है साबरी भाई, हो गया प्लीज, बोलने की भी एक लिमिट होती है। थैंक यू, आप किसी भी चीज पे बोलने दीजिए, अगले को बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए आप लोगों ने अपनी बारी पे, एक दूसरे का सम्मान रखना, अपनी बारी बोलिए प्लीज। थैंक यू, आइए उसके डिबेट में बैठिएगा। ठीक है, थैंक यू तारिक भाई, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता संभालने की आदत है आपके अंदर, छोड़िए, छोड़े क्या, छोड़ने की बात है ही नहीं है, ऐसी बात आपने बोल दी, इसको छोड़ने की बात है ही नहीं। ठीक है प्लीज, थैंक यू साबरी साहब, थैंक यू तारिक खान प्लीज। दोनों लोग की देखिए, तैश या इमोशन से रिश्ते चल सकते हैं, देश और धर्म की बात नहीं हो सकती है। यहाँ बात हो रही है डेमोक्रेसी की, यहाँ बात हो रही है कानून की, यहाँ बात हो रही है कोर्ट की, इसलिए अगर इमोशन है तो उनको रिश्ते में लेके आया जाए, यहाँ पर ना लेके आया जाए दोनों लोगों को। और जो चीजें हमारी संस्कृति और हमारा धर्म भी सिखाता है, वो सबसे बड़ी चीज है सब्र।
हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा ये बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है जिस जगह पर आप खड़े हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा सब्र करिए। कोर्ट कहीं भी, मुझे पूरा यकीन है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को भी ये यकीन है कि कोर्ट, मान लेता हूं कि अभी बहुत ज्यादा मीडिया में उल्टी सीधी बातें आ रही है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मगर फाइनली होगा वही जो कानून के मुताबिक लिखी हुई चीजें हैं, जो किताब में लिखी हुई, हाँ उस कानून को, वर्शिप एक्ट को आप चेंज कर दीजिए, ये आपका अधिकार है, आप फुल मेजोरिटी हैं। दूसरी बात, अभी एक और परिसर की हो रही थी, मैं परिसर के बारे में बता दूं कि इससे पहले जब उसकी परिक्रमा होती थी तो परिसर खुला हुआ था, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया तो उसकी बाउंड्रीज हो गई, जब बाउंड्रीज हो गई तो उसके जाने के लिए मस्जिद के अंदर का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है वहां पर कि कॉरिडोर बन गया जिसकी बाउंड्री कर दी गई। अब इस मसले को इस तरीके से देखा जाए कि आप कितना पीछे जाना चाहते हैं इतिहास में। मैं कहता हूं चलने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप अगर 1000 साल पहले जाना चाहते हैं तो आप मुगल और मोहम्मद गौरी गजनवी और खिलजी और मोहम्मद बिन कासिम इनको उठा लीजिए, लेकिन जब आप 2 और 3 हजार साल पहले जाएंगे तो आपको अशोक का दौर और पुष्यमित्र शुंग का भी दौर की बात करनी पड़ेगी, जहां पर बौद्ध धर्म की कई धार्मिक स्थलों पर अटैक किया गया और उनको तोड़ा भी गया। इस इतिहास की भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे दिक्कत तब होती है जब इतिहास में हम पीछे जाते हैं और मुस्लिम शासक पर रुक जाते हैं। अगर आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो पहले यह तय कर लें कि कितना पीछे जाना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए और वर्चस्व के लिए और धर्म के लिए, तीन भागों में बांटता हूं मैं, सत्ता, धर्म और वर्चस्व, इन तीनों के लिए अलग अलग काल में, एक मध्य काल है, एक प्राचीन काल है। इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, मैं कोई जानकार नहीं हूं लेकिन एक जाहिल के तौर पर थोड़ा बहुत पढ़ा है कि आप कितना पीछे जाना चाहते हैं। अगर मध्य काल में जाना चाहते हैं तो ये है, और पीछे जाना चाहते हैं तो सम्राट अशोक के टाइम की बात करनी पड़ेगी कि उस टाइम पे भी कितने बौद्ध धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनको अटैक किया गया था, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में या बौद्ध लोगों के बारे में कहा गया था उस टाइम पे कि उनका सर लेके आ जाओ तो मैं अशर्फियां आपको दे दूंगा, 10 अशर्फियां दे दूंगा। तो इस तरीके से हर काल में सत्ता के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए इस तरीके की चीजें होती रही है। जब एक कुल का राजा दूसरे कुल, टीपू सुल्तान के ऊपर, लास्ट बात, एक आधे मिनट, आधे सेकंड, टीपू सुल्तान के ऊपर राजपूत लोग अटैक करते हैं और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए टीपू सुल्तान के एरिया में बने हुए मंदिर को तोड़ देते हैं, फिर टीपू सुल्तान खुद स्वयं उसका निर्माण कराते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वर्चस्व के लिए मंदिर और मस्जिद तोड़ी जाती थी, ना कि अलग अलग काल में अलग 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 दिमाग में धारणाएं रखकर अलग अलग धारणाओं के साथ धार्मिक स्थलों पर अटैक किया जाता था और उनको तोड़ा जाता था। तो कितना पीछे जाना है ये तय कर ले पहले। ठीक है दिवाकर जी, जल्दी से अपनी बात पूछिए, त्रिपाठी जी के पास आते हैं। मैं प्रवक्ता महोदय पहले ये कहना चाहता हूँ कि कॉरिडोर तो माननीय प्रधानमंत्री जी बनाया है, तब आपके समय में सरकारें जो थी इसके बारे में जानिए, जब वहाँ पे रोक लगी थी और उस रोक पे इतना शालीनता पूर्वक हिंदू संगठन उस समय के जो थे, कहीं कोई विरोध के आंदोलन के स्वर नहीं दिखाई दिए कि क्यों रोक लगी है। तुरंत वो लोग कोर्ट में चले गए, या जब भी गए कोर्ट में गए या आज गए, सरकार के नियम के और संविधान से बंधे हुए हैं। उस समाज का नेतृत्व हम सबको करना चाहिए और हमारी सरकार में प्रतिनिधि जो महोदय बैठे हैं, हमारे जो संगठन को जिन्होंने एक शब्द बोल दिया है उस शब्द का नाम नहीं लेना चाहते हैं इनके, लेकिन हम सांघिक संगठन सबके साथ लगे रहते हैं, लेकिन हम सांघिक संगठन को कोई लोग कुछ भी बोल दें, अब इस पे तो कोर्ट फैसला करेगी। इसके लिए भाई साहब ने कहा भी है कि इसको तो हम खींचेंगे ही खींचेंगे। और सुन लीजिए एक मिनट, और आपको भी मैं सलाह देना चाहता हूँ, जब मामला कोर्ट में आ गया, सिंगार गौरी से होते हुए सर्वे तक आ गया, वीडियोग्राफी तक आई, टेक्निक बढ़ गई, जब बाबरी मस्जिद विवादित स्थल जिसको हम राम जन्मभूमि, आज हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप लोग मानता हो कि आप लोगों ने सहयोग किया, कोई आंदोलन नहीं किया, कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, इसकी मैं तारीफ करता हूँ, जो काम तारीफ की उसकी तारीफ किया जाना चाहिए भाई। सफा सवाल करूंगा आप सुनिए, लेकिन आज जो मामला कोर्ट में जब आ गया, सारे नियम कानून के, हमारे सपा के भाई ने कह रहा है कि सबको देखा जाए, कोर्ट देखेगी क्या इसमें कर सकती है, क्या संशोधन हो सकता है, क्या रियायत हो सकती है, किस हिसाब से माहौल बना जा सकता है, क्या फैसला देना, लेकिन टेक्निक उस समय से आज ज्यादा हो गई है। आज कोई चू नहीं करेगा, कोई चू करेगा उसकी भी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, कोई कुछ कहता रिकॉर्ड हो जाती है। आज इतना क्लियर
वीडियोग्राफी हुई है जो हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियोग्राफी के हिसाब से जो भी कोर्ट निर्णय लेगी, सरमान हम तो नहीं कह रहे कि ये वीडियोग्राफी हमारी हो गई और कोर्ट ने हमको दे दिया मंदिर बनाने के लिए, ये तो हमने कहा नहीं, साबरी साहब को हमने तो कहा नहीं, हम तो कोर्ट के फैसले पे निहित हैं। आप चुप रहिए पहले तो हम जवाब दे रहे हैं अपने सपा प्रवक्ता भाई को, जो इस बात के इस मैटर पे हम आजम खां की तारीफ करते हैं, जो निकलते ही कहे कि कुछ ऐसा बोलना नहीं है जिससे माहौल खराब हो। आजम खां जैसे विद्वान तो हम नहीं कहेंगे उनको, लेकिन अपने को विद्वान कहते हैं, चाहे जो कहें, पढ़े लिखे तो हैं ही, लेकिन तो सारे आप ही लोग, अरे सुनेंगे भाई साहब, डिग्री भी है उनके पास में, लॉ की डिग्री, अरे का, भाई मैं कहां खोल रहा हूँ कि नहीं है, 11 बार असेंबली मेंबर रहा है, 11 बार, अरे भाई मैं कहा उनके सम्मान में गलत शब्द बोल रहा हूँ, ऐसा वैसा बता रहे हैं, अरे मैं ऐसा कहां कहा यार, तुम आपको सुनाई कम दे रखा, मैंने आजम इधर देखिए और अरे आजम खान तो बुरा बेकार बाहर आ गया, प्लीज समय कम है, नहीं आजम खान नहीं, पूरा कोई झगड़ा घर की बना मुद्दे पे और उस पे चर्चा करो, आजम खान साहब का बयान कर रहा हूं, इस मुद्दे पे उन्होंने कुछ नहीं बोला कि माहौल देश का खराब ना हो। मैं यह सलाह आपको भी देना चाहता हूं, जब आजम खान हर मुद्दे पर बोलते थे इस मुद्दे पर शांत है, तो आप लोग भी शांत रहिए, कोर्ट का निर्णय मानिए, मेरा ये अनुग्रह है, कोर्ट जो कहेगा उसको दोनों पक्ष को मानना होगा। ठीक है दिवाजी त्रिपाठी जी, देखिए अभी सही बात है, इस पूरे डिबेट में सभा के आ रहा हूं सर आपके पास, हाँ साबरी साहब आ रहा हूँ, सपा के प्रवक्ता की तारीफ इसलिए हो रही है कि वो विधिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि देश में कानून है, और निश्चित तौर से कि हम कितने पीछे जाएंगे अगर हम, उन्होंने कहा कि अशोक की बात हो रही है, अशोक से पहले की भी बात हो सकती है, इस देश में अशोक से पहले की भी बात होगी, हजारों नहीं लाखों वर्षों से ये देश है, और इसी कालखंड में हम सनातनी हिंदू भी हैं, बौद्धिस्त भी हैं, सनातनी मुसलमान भी हैं, ठीक है, सनातनी सिख भी हैं, सनातनी ईसाई भी हैं, तो केवल पुष्यमित्र तक बात नहीं हुई, लेकिन जो आपने कहा कि पुष्यमित्र पर की कोई महिमा मंडल कोई नहीं करता है, कोई हिंदू लेकर करता है क्या उसकी बात, क्यों बहुत वो था, यहां पर जब बात होती है औरंगजेब की, हम लोग सनातनी नहीं हो सकते हैं, आप सुनिए, आपसे बात नहीं हो रही, आपसे बात नहीं हो रही, आप वो ना जोड़िए, आपसे बात, इससे पहले भी एक वर्ड कहा है, हाँ आपसे बात नहीं हो रही, बिल्कुल, देखिए वहां क्या है कि कभी भी कोई व्यक्ति जब आता है कि औरंगजेब की बात आती है, नितिन जी आप ज्ञान यापी उस पे कराइए डिबेट, ठीक है, ये लोग मोहम्मद गोरी पे बात आती है उस पे बड़ा अच्छा, तो तमाम चीजें ऐसी बातें आती हैं, और मैं आपके बात पे आता हूँ, मैं आपके बात पे आता हूँ, सवाल सुनिए नहीं भाई, आपके आपके सवाल लेकर देखिए, उन्होंने एक बहुत विधिक बात की कि कानून के दृष्टिकोण में उस मस्जिद की क्या हैसियत है, 1994 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने कह दिया है कि इस्लाम में का पार्ट मस्जिद नहीं, अभिन्न अंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कानून में 1994 में आदेश पारित है, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, ये क्लियर है, कोर्ट ने कहा है, अब आप मस्जिद जितना चिल्लाना हो चिल्लाइए, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब मुद्दा आएगा और कोर्ट देखेगी कि इसमें कमल के पुष्प हैं, हाथी बनी हुई है, उसके सूंड बने हुए हैं, त्रिशूल बने हुए हैं, तो वह निश्चित तौर से इस पर विचार करेगी कि यह मंदिर है और इसके ऊपर इसको तोड़ करके एक ढांचा स्थापित किया गया जिसको आज मस्जिद कहा जा रहा है, और मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसी ढांचगत व्यवस्था के अंतर्गत आप 7 Rule 11 में गए हैं, लेकिन 7 Rule 11 जो कि कानून से बाधित है उसीलिए आप गए हैं कि यह विधिक बाधित व्यवस्था है, हिंदू पक्ष को न्यायालय में आने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है, यही 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 मूल वहां पर वो है, लेकिन जब कोर्ट ये देखती है, देखिए एविडेंस भी होता है कि बाधित है कि नहीं है, इसका भी मैं दे दूं उत्तर दे दूं, थोड़ा जल्दी, सिंपल बात है कि मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा, हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, लेकिन जहां हाथी के सूंड, कमल के पुष्प, भगवान के त्रिशूल और शिवलिंग ये सारे मिलेंगे, उसी दिन 7 Rule 11 खारिज हो जाएगा। ठीक है साबरी साहब, क्या कह रहे थे, जल्दी से बात पूरी कीजिए।
मैं पहले तो दिवाकर जी की बात का जवाब देता हूँ जो कह रहे थे 1991 में, पहले मैं बता दूं 2005 में पहली बार पूजा हुई है, 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इसके आदेश किए थे, उससे पहले पूजा हुई है इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, गजेंद्र त्रिपाठी जी इतना ज्ञान बता रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं, हमें आप ये बताइए नितिन जी, आप ईमानदारी से, आप एक बहसियत जर्नलिस्ट के बिंगे जर्नलिस्ट के, इस देश में वो कौन सा कानून है जो मुसलमानों ने नहीं माना है, जिसका इनकार किया है? नहीं तो कानून माना है तो कानून के फैसले का इंतजार करिए भाई, की तो तारीफ हो रही है। भाई जब आप न्यायालय की आड़ लेकर के अराजकता फैलाएंगे तो स्वाभाविक है हमें विचलित होना, मेरा मेरी फितरत है, फिर फितरत में है, आप न्यायालय की आड़ ना लीजिए। मैंने पहले कहा था गजेंद्र त्रिपाठी, मैं किसी चैनल पे गजेंद्र त्रिपाठी जी के साथ बैठ चुका हूँ, मैंने कहा था कि आप एक सूची तैयार कीजिए और उसके तहत सारी मस्जिदें गिरा दीजिए, आप अराजकता न फैलाइए। जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बरकरार रहने दीजिए। मैंने इनसे बहुत पहले कौन इसको सुनेगा बताइए, दोनों लोग बोल रहे हैं, एक देखिए बुद्धिजीवी ऑलरेडी लेकर बैठे हैं सपा से, वो भी तो चुप हैं, वो भी तो सुन रहे हैं बात को। अरे गजेंद्र जी वो तो आप ही की भाषा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी मुसलमान जब कोई आएगा सही बात, पहली बार कहा, जब भी कोई राष्ट्रवादी मुसलमान आएगा आपने पहली बार कहा, तारिक खान साहब सुन लीजिए आप कहां फंसे हैं, आप तलाक साहब की स्लीप पे चल रहे हैं, जो इनको पसंद नहीं है, तारीख पसंद नहीं है, कलाम साहब की नीतियां इनको पसंद नहीं है देश में। अरे तारिक खान से क्यों इतनी नाराजगी है भाई? नहीं नहीं तारिक भाई हमारे भाई है, उनसे क्यों नाराज? अभी तो आप कह रहे थे कि वो आप ही की भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई, एक कलाम की भाषा बोलता है और एक कलाम औरंगजेब का, दोनों में ही अंतर। अरे अगर मैं बता दूं, अगर हम लोग एक ही करेगा, देखिए तारिक भाई कुछ बोल रहे हैं, प्लीज नहीं भाई, प्लीज नहीं भाई, प्लीज प्लीज नहीं भाई, सारी जामा मंदिर ठीक है, देखेंगे ठीक ठीक ठीक। तारिक खान कुछ बोल रहे हैं, तारिक आप कुछ नहीं देख पाएंगे, आप कुछ नहीं देख पाएंगे, व्यक्तिगत रूप से सुन लीजिए, ये कानून का राजा, कानून का राज रहेगा, कानून है कानून का राज रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भाषा निकाल दीजिए, आप में व्यक्तिगत हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कानून का राज है, कानून राज रहेगा। हम तो चाहते नहीं है, ठीक है ठीक है, विकास मिश्रा जल्दी से बात पूरी कीजिए, जल्दी से 10 सेकंड बाद, हमें स्वीकार है लेकिन अराजकता ना फैलाइए। आप तो अराजकता इसलिए फैला रहे हैं, तो इनको बता दो कि इन्होंने इस डिबेट में लगातार ये कहा कि हिंदू पक्ष न्यायालय का सहारा लेकर के यहाँ पर अराजकता फैला रहा है, इनका कहने का स्पष्ट मतलब है कि न्यायालय भी हमारे साथ मिला हुआ है और न्यायालय भी अराजकता फैला रहा है, न्यायालय पे आक्षेप लगा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि न्यायालय जो है वो अराजकता फैलाता है, क्योंकि हम तो सारी चीजें न्यायालय में लेकर के जा रहे हैं और न्यायालय के द्वारा हमारा अराजकता फैला रहे हैं। दूसरा, तारिक साहब की तारीफ आपको करनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी बात बोल रहे थे, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, हर चीज पे विरोध नहीं किया जाता, ये मेरी असलियत है, यही आप बोलना चाहते थे, अपनी इस असलियत को छुपा के रखें, तभी सम्मान है। ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो लगातार इस मुद्दे पर अब जो राजनीति है वो गरमा रही है और मुद्दे काफी अहम भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जो साक्ष्य निकलकर सामने आए उन साक्ष्यों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन अब 4 जून को पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आखिर ये साक्ष्य बाहर कैसे आए और ये बंद लिफाफों को वापस लेना है या नहीं लेना है, आगे की सुनवाई कैसे होनी है, सब 4 जून को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।